आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर सवालिया निशान लगने आरंभ हो रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज शहर में सिविल लाइंस क्षेत्र से दोपहर के लगभग कार सवार चार युवकों ने 11वीं के एक छात्र को अगवा कर लिया। पुलिस को जानकारी इसकी मिली तो दूमनगंज और करेली पुलिस ने घेराबंदी की। चकिया के पास छात्र को छोड़कर अपहरणकर्ता पुलिस को देखकर भाग निकले। पुलिस छात्र से पूछताछ कर रही है। अभी तक एक दोस्त से विवाद की बात सामने आई है। कैंट थाना क्षेत्र के राजापुरा का रहने वाला एक छात्र IPIEM इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं का छात्र है। मंगलवार दोपहर जब स्कूल के पास खड़ा था उस समय कार सवार चार युवक आए और धक्का देते हुए उसे वाहन में डाल दिया। उसने मदद की आवाज़ लगाई तो आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। ये देखकर अपहरणकर्ता उसे लेकर भाग गए। इस बात की जैसे ये मोहम्मद हासिर है, भतीजा है मेरा, उनके पापा ज्ञानपुर में सर्विस करते हैं। आज सुबह इसको करीब देवे कुछ दामों पर लड़के उठा ले गए थे। काफ़ी ले आए, काफ़ी मारा पीटा, उसको नंगा करके इसकी वीडियो बनाई गई है। कहा है कि अगर पुलिस के पास गए तो तुमको और तुम्हारे भाई को दोनों को मार डालेंगे हम। काफ़ी लड़का काफ़ी दहशत में है, डरा हुआ है। कितने घंटे अपहरणकर्ताओं के चंगुल में? चंगुल करीब 3 घंटे चंगुल में था ये, और काफ़ी मारा पीटा उसको है, धमकी अलग दिया गया है। ये दामूपुर के हैं कोई अली करके। किसी का विवाद था? कोई विवाद नहीं था, पढ़ने वाले बच्चे विवाद क्या था। यहाँ ना तो यहाँ पढ़ते हैं जो बच्चे उठा ले गए, ना कुछ क्रेटा से उठा के ले गए थे। जिसका क्रेटा का नंबर क्रेटा में पड़ा हुआ तो बाइक का नंबर पड़ा हुआ था, हम लोगों ने चेक किया वो बाइक का नंबर पड़ा हुआ है। उसके बाद ले गए इसको दामोपुर में मारे पीटे हैं और सांसद जी के घर के पास चकिया पे ला के फेंक दिया है। हाँ, मार के इसको फेंक दिया और काफ़ी चोट लगी हुई है इसकी। तो फिर आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को हमने 112 में बेटे ने मेरे सूचना की, मैं बाहर था, मैं भाग के आया हूँ। तब यहाँ काफ़ी प्रशासन ने मदद की। उसके बाद बच्चे का खुद फ़ोन आया कि हमको फला जगह इन्होंने ला के फेंक दिया है। क्या नाम है? तनवीर अहमद। थाना क्षेत्र के एक स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाला लड़का, जैसे ही वो स्कूल से बता रहा कि बाहर निकला तो वहाँ पे क्रेटा सफ़ेद रंग की सवार, उसमें एक उसके बताए अनुसार एक अली अहमद था और उसके साथ 3 लोग और थे, जिसको कार में बैठा लिए और ले आकर के जैसे तत्काल सूचना मिली पुलिस को, चारों तरफ से घेराबंदी और चेकिंग शुरू कराई गई थी। जिसका परिणाम रहा कि चौकीन चार पीपल गांव दामूपुर में चेकिंग कर रहा था तो उसको आगे से पुलिस को देख करके उसके लड़कों को वहां पर उतारा और कार लेके भाग गए। अभी लगातार टीमें रवाना है, उसमें एक व्यक्ति जो अली अहमद उसमें शामिल था अभी हिरासत में मिल गया है वो, और उससे पूछताछ भी की जा रही है। जो आरंभिक पूछताछ में दोनों तरफ की जानकारी आई है कि कोई एक जिससे लड़की है जिससे दोनों ही बात किया करते थे और उसी बात को लेकर के इनके बीच में कुछ रंजिश थी और ये कृत्य किया इन्होंने। जो घटना में शामिल कार है वो भी बरामद कर ली जाएगी अभी, और जो शेष बचे हुए 3 लोग और उन्हें गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा। सर, कल एक राजापुर में भी रोड रेस का मामला। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर सारी बातें पुलिस के द्वारा कही गई, पुलिस के द्वारा जो बताया गया। जिस तरह जैसे ही ये घटना घटी, आनन फानन में धूमनगंज और करेली पुलिस को अलर्ट किया गया। कार सवार पीपल गांव की ओर पहुंचे तो पुलिस की घेराबंदी देखकर उन्होंने गाड़ी का रुख दूसरी तरफ कर दिया। फिर हाशिम को, जैसा पुलिस सूत्रों ने बताया, चकिया के पास छोड़कर वे भाग निकले। विद्यार्थी के द्वारा बताया गया कि कार में उसके साथ मारपीट की गई। सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि जो छात्र जिसका अपहरण हुआ था उसका एक दोस्त से कुछ विवाद हो गया था, उसके बाद अपने बाहरी साथियों से बुलाकर उसके द्वारा उसे अगवा कर लिया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोज, मौसम के अपडेट आ गया। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के YouTube को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में YouTube टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर YouTube का ऐप है तो YouTube खोल लीजिए। YouTube खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है
आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।